are classify each of the beams shown in the figure 219A through 219D as statically determinate or statically indeterminate. If statically indeterminate, report the number of degree of indeterminacy. वो कहता है अगर indeterminate तो बताओ कितने degree indeterminate. The beams are subjected to external loadings that are assumed to be known and can act anywhere on the beam. वो कहता है इसके अलावा लोडिंग हम समझेंगे सारी नोन है हमें कोई भी इस पर तो नहीं शोरी और वो कहीं पे भी अपने बीम पर लगा सकते हैं. ठीक है, सारे कंपाउंड बीम्स हैं, ये फिक्स्ड एंड कॉलर है. ठीक है, तो अब इस पर कितनी रेजिस्टेंस होंगी? दो. किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू दिस बॉल्स एंड रोटेशन. इधर मूवमेंट हो सकेगी, इधर कोई रिएक्शन नहीं आएगा. देखे ना, बॉल इधर है ना, इस तरफ घुमा सकते हैं, इसको रोटेट करा, मूव करा सकते हैं. तो यहाँ पे देखें, उसने पहला चीज ये देखें कि एक अननोन रिएक्शन और एक मोमेंट, ये मोमेंट और एक ये रिएक्शन. यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर. ये पॉइंट समझ आ गए. अच्छा, इस पॉइंट पे आ जाए, इस पे भी दो अननोन हिंज है, पिन हिंज, ये दो अननोन आ गए. अब एक पॉइंट दरमियान में है, ये देखिए, ये दो मेंबर लगे हैं जो कि पिन कनेक्टेड है आपस में, एक दूसरे के साथ पिन से जुड़े हुए. इसको कहते हैं पिन या इसको कहते हैं इंटरनल हिंज. क्या कहते हैं इसको? इंटरनल हिंज होती है. इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस पॉइंट पर मोमेंट हमेशा जीरो होता है, यानी इस जगह पर स्ट्रक्चर आपको रोटेट कर सकती है, इस जगह पर स्ट्रक्चर आपको रोटेट कर सकती है, लेकिन ना ये ऊपर मूव करेगी ना दाएं बाएं मूव करेगी, ना ऊपर मूव करेगी ना दाएं बाएं मूव करेगी. बात समझेगी? जब समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो का मतलब इस जगह पर रोटेशन हो सकेगी. मिसाल के तौर पे अगर मैं लोड यहाँ डाल दूँ, ये देखेंगे वर्टिकल डाउन लोड डाला, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये रोटेट करके ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, पॉइंट नहीं बदलेगा, रोटेट के ऊपर चला जाएगा. ठीक हो गया? तो ये रोटेशन अलाउ करेगी. तो वो कहता है जब इसको स्टेबलाइज करना है, ऐसी स्ट्रक्चर जब भी पिन आ जाए, हम पिन पॉइंट से स्ट्रक्चर को अलग अलग कर लेते हैं. ये देखेंगे, मैंने पिन से इसको क्या किया, दो कंपोनेंट डिवाइड किया, एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर. अब पिन पे कितने अननोन है? दो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये देखें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. अब ये आपने खुद सेंस देखनी होती है कि मैं क्या रखूं. अलबत्ता ये याद रखें, अगर इस पॉइंट पर आपने डाउनवर्ड लगाया है तो हर हाल में इधर अपवर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी बैलेंस होंगे. अगर इधर आपने डाउनवर्ड लगा दिया है तो इधर आपको अपवर्ड लगाना पड़ेगा. ऐसे इधर का राइट वर्ड है, इधर लेफ्ट वर्ड लगाना पड़ेगा. अगर इधर लेफ्ट वर्ड लगा देते हैं तो इधर राइट वर्ड लगाना पड़ेगा. तो इसलिए जब भी हम अननोन शुमार करते हैं, हम कहते हैं ये चार नहीं है, ये दो हैं. कितने हैं अननोन? दो है. क्यों? दोनों की मैग्नीट्यूड, इन दो की मैग्नीट्यूड सेम है और इन दो की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन चेंज है ना. तो साइन का बदलना तो अननोन नहीं होता है, ये तो नोन होता है. मेरी बात समझ आई है कि नहीं? जी सर. इसलिए जब भी आपके पिन आ जाए तो हम पिन पर क्या करते हैं, पिन पर कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं. अब बताओ आर कितने? आर टू प्लस दिस टू, ये चार नहीं है, दो, दो और जमा दो छः, आर आ गया सिक्स, टू हो गया. हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू थ्री एन, आर छः इज इक्वल थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स. स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट. स्ट्रक्चर क्या? स्टैटिकली डिटर्मिनेट.